हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चौली की सब्जी। यहाँ पे चौली को ले लेना है, अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। चौली को भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे 2 से 3 बार हमें चौली को धो लेना है। साइड में गैस पे कुकर रखा है, उसमें पानी डालना है और उसमें चौली को डाल देना है अच्छे से धोकर। उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और 7 से 8 विस्टल लगने तक हमें चौली को पकने देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम आंच पर रखना है। देखो यहाँ पे चौली पक गई है। साइड में हम एक कढ़ाई रखेंगे गैस पे, उसमें जीरा डालेंगे, तेल में जीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, लहसुन सुनहरा कलर का होने के बाद उसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर लिए हैं बारीक काट के। इसमें टमाटर को अच्छे से गलने तक हमें पकाना है। इस प्रकार हमें टमाटर को मिक्स करना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, यानी कि टमाटर जल्दी गल जाए। और गैस को कम करके उस पर ढक्कन रख देना है 2 मिनट तक, यानी कि टमाटर जल्दी गल जाते हैं। देखो इस प्रकार टमाटर को प्रेस करना है। वहाँ पे टमाटर की थोड़ी स्मूदी बना लेना है। उसमें इसी प्रकार हिलाते रहना है टमाटर को। उसमें डालेंगे हम लाल तीखी मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जो भी हमारे घर में हुआ हो गरम मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे और मसाला को 2 मिनट तक कम आंच पर भून लेंगे। इसी प्रकार हमें मसाला को भूनना है। गैस की फ्लेम कम रखनी है। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब मसाला पकता है तो। खुशबू आने के बाद 2 मिनट के बाद हमें उसमें डालना है मूंगफली का पाउडर, मूंगफली का कुट। मूंगफली को हमने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है। इसकी पाउडर हमें मसालों में डालनी है। इसे भी कम आंच पर 2 मिनट तक भूनने देना है। अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पे। इसी प्रकार दो मिनट के बाद उसमें हम डालेंगे पकी हुई चौली को डाल देना है। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब भी मसाला पकता है तब। इसमें डालेंगे हम ये चौली। चौली को लोबिया भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चौली बोलते हैं। हमें रेस्टोरेंट जैसी ढाबा स्टाइल सब्जी बनानी है घर पे चौली की। बिल्कुल वैसे ही दिखने में बनती है और टेस्ट में भी वैसे ही बनती है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है हमारी सब्जी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमें जैसी ग्रेवी चाहिए वैसे हम पानी डाल सकते हैं। पतले चाहिए तो पतले, नहीं तो पहले जितना पानी था उतना पानी भी हमें रहने देना है। देखो यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है। उसमें कितनी अच्छी दिख रही है हमारी सब्जी। इसे हमें थोड़ा सा गैस की फ्लेम बढ़ाकर थोड़ा सा उबाल आने तक, गैस की फ्लेम ज़्यादा रखनी है। 2 मिनट तक गैस की फ्लेम ज़्यादा करनी है। यहाँ पे उबाल ऐसा आया आने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम आंच पर करना है
यानी कि सब्जी का जो तेल होता है वो जाता नहीं है, कम आँच पर रखा तो सब्जी अच्छे से पकती है और तेल भी नहीं जाता। देखिए यहाँ आराम से हमारी सब्जी पक रही है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और सब्जी को 7 से 8 मिनट तक पकने देना है साइड में, हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी सब्जी, रेस्टोरेंट जैसी दिख रही है हमारी चौली की सब्जी। कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत कम साहित्य हमने सब्जी में यूज किए हैं। ऑलमोस्ट हमारी सब्जी यहाँ पे पक गई है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कैसे हो गई हमारी सब्जी, तो सेम ढाबा स्टाइल सब्जी लग रही है ना। देखिए सेम ढाबा स्टाइल सब्जी हमारी तैयार है। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कितनी बढ़िया लग रही है सब्जी, एक लाइक तो बनता ही है और टेस्टी भी है, तो ज़रूर ट्राई करना। खाओ पियो, स्वस्थ रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी सब्जी यहाँ पे, तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। दिखने में कितनी लाजवाब है तो खाने में भी इतनी ही लाजवाब।